भाई एक वीडियो सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो रहा है कि मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना ही देता हूं और इसका जिक्र आपसे कर ही लेता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। भाई देखिए, इंडियन आइडल अपने 12वें सीजन में चल रहा है, लेकिन इंडियन आइडल से ऐसे कई सिंगर्स निकले हैं जो कि जीते हैं और बहुत नाम कमाया है। इंडियन आइडल ने उनको एक मुकाम पर पहुंचाया है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको इंडियन आइडल के मंच पर रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मेहनत करके वाकई एक नाम कमाया, एक मुकाम हासिल किया और आज म्यूजिक इंडस्ट्री की ऊंचाइयों पर हैं। और उन्हीं में से एक नाम है नेहा कक्कड़, जो आज खुद इंडियन आइडल को जज भी करती हैं, पैनल में बैठी हुई दिखाई देती हैं आपको। आपको बताऊं कि नेहा कक्कड़ बचपन से ही भजन वगैरह गाती थी, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी, इसलिए नेहा कक्कड़ को बचपन से ही काम करना पड़ा, गाने गाने पड़े भजन में, जगरातों में, और इस तरीके से नेहा कक्कड़ ने पैसे कमाए। फिर नेहा कक्कड़ इंडियन आइडल में भी अपेयर हुई थी, और यही जो इनका इंडियन आइडल में अपेयरेंस का वीडियो है पुराना, ये बहुत वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है? इसलिए वायरल हो रहा है कि नेहा कक्कड़ जब ऑडिशन देने आई थी तो अनु मलिक ने कहा था कि नेहा कक्कड़ तुम्हारी आवाज सुन के लगता है कि मार लूं खुद को थप्पड़, और उसमें अनु मलिक खुद को थप्पड़ मार भी रहे हैं। इस तरीके का वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। अब ये इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि अब नेहा कक्कड़ वही है जो इंडियन आइडल में आपको जज करते हुए दिखाई देती हैं। तीन जो खास जजेस हैं उनमें से एक नेहा कक्कड़ हैं। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है कि कहां से नेहा कक्कड़ ने शुरू किया था और कहां है जिस मंच पर उनका गाना सुन के इस तरीके का रिएक्शन दिया गया था, आज वो उसी मंच पर बाकी कंटेस्टेंट्स को जज कर रही है। तो नेहा कक्कड़ ने वाकई बहुत मेहनत की है और अपनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है, और इसलिए एक वजह यह भी है कि इस वीडियो को इतना वायरल किया जा रहा है और बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं नेहा कक्कड़ की मेहनत दिख रही है भाई इस वीडियो के बाद। अभी के लिए इतना ही, ये वीडियो वायरल हो रहा था तो सोचा आपको बता दूं। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।